मनी, जैसे आप मुझे जानते हैं मेरा चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा टेक्निकल लवली मनी जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो है ड्रिल्स के ऊपर, फ्री स्टाइल की ड्रिल है। आप इसको सेम बटरफ्लाई पे अप्लाई कर सकते हो, सेम बैक पे कर सकते हो, सेम ब्रेस्ट पे कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि जो हाथ बंद करने वाली है ना, आप ऐसे ब्रेस्ट में कर सकते हो और ऐसे बटरफ्लाई में कर सकते हो और ऐसे बैक में कर सकते हो, मतलब कि सेम रहती है लगभग, ठीक है। तो मूवमेंट थोड़ी चेंज होती है। तो फ्रेंड्स, जो आज की ड्रिल्स बताने वाला हूँ, जो पहले आप वीडियो देखोगे फिंग्स के साथ है, ठीक है। इसके साथ मसल्स में जान आती है, पानी खींचने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो अकेले हाथों के साथ है, उसके बाद है जो हाथ बंद करके हैं, ठीक है। उसके बाद है जो आपको आप वीडियो देखी लोगे, क्या सारी पहले बता दूंगा तो आप वीडियो क्यों देखोगे। तो फ्रेंड्स, कैसे करनी है जी आपको, मैं वीडियो सारी दिखा दूंगा। सेम आपने करनी है अप्लाई, उसके बाद अपनी स्पीड देखना फ्री स्टाइल की, जो भी जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो, तो एंड रैप चिक हो जाएगी, रैप चिक, ठीक है। तो पहले जैसे आपने मैंने लेग्स मूवमेंट डोल फिल की वीडियो ड्रिल्स डाली, आपने काफ़ी प्यार दिया, थैंक यू। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और हाँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर ज्वाइन नहीं होता लिंक कई वाले काम नहीं करता, कुछ टाइम बाद करना तो हो जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करें, ड्रिल्स आई होप कि आपको अच्छी लगेगी, तो चलो स्टार्ट करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में टिकटॉक इंस्टाग्राम सबकी आईडी है, फॉलो कर लो। अच्छा, जो हैंड पैडल इसके हाथ में डाल दिए हैं, और अभी ये हैंड की खाली हैंड की प्रैक्टिस करेगा। जैसे कि आपने पहली वीडियो में देखा है कि ये बटरफ्लाई की कर रहा है, आज ये फ्री की और बैक के हैंड की प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। ये चेक कर सकते हो, इसमें इसकी लेग्स मूवमेंट नहीं चलेगी, इसके टांगों के अंदर बीच में जो फंसाया वो पुल बॉय होता है, वो आर्ट की शेप में होता है। मेरी आपको पहली वीडियो में, लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा वो क्या होता है, ठीक है। अभी इसके हैंड पैडल है, इसमें नॉन स्टॉप ये राउंड मारने हैं, इससे क्या होगा इसके हाथ में पावर आ जाएगी और इसके हाथ स्पीड में चलने लग जाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हो इसके टांगों में फंसाया हुआ, जिसके कारण इसके टांगे नीचे नहीं जाएगी और इसकी हैंड मूवमेंट सही हो जाएगी और काफ़ी हद तक पावर भी आ जाएगी। ये चेक कर सकते हो कितने लंबे लंबे मार रहे हैं हाथ, ये सेम ऐसे चलाने हैं, इससे अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये चेक कर सकते हो, ये देखते हैं आपने सेम इसी की प्रैक्टिस करनी है, ये ऐसे कंटिन्यू करनी है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कुछ ना समझ में आया आप मेरे से पूछ लेना, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा, जिसके कारण आप उसको इजीली आप अपनी वीडियो क्लिप बना के मुझे दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, समझ रहे हो ना, मतलब कि इसके आपने कंटिन्यू 10 राउंड माने हैं, और फिर इसके बाद हमने बैक की प्रैक्टिस करनी है। मतलब कि आज के जो डे है वो सिर्फ हैंड मूवमेंट के लिए है, जिसमें सिर्फ इसने हाथ चलाने हैं, पैर पूर कुछ नहीं चलाने, सिर्फ हाथ। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आपने ध्यान रखना कि पानी के जितना ऊपर आप लेके जाओगे हाथ, उतनी ही दिक्कत आपको आएगी, ठीक है। तो पानी के एकदम साथ में लेके जाना, ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना, ठीक है ना। जैसे ये देख सकते हो चिंटू का जो हाथ है वो काफ़ी मतलब कि पानी के साथ साथ ही है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा। इससे आपके क्या होगा कि जो शोल्डर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डलता है वो नहीं डलेगा, उससे आपको ये रहेगा कि आप इजीली जो बॉडी में झटके आते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। ये देखो पानी के एकदम साथ साथ रहता, ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाता, अगर ज़्यादा ऊपर जाए तो दिक्कत होती है। चलो अब नेक्स्ट ड्रिल दिखाता हूँ मैं आपको, चेंज कर दिया, अब नेक्स्ट ड्रिल है। अब ये बॉडी के हाथ ही हाथ चलेगा, मतलब कि बॉडी के साथ हाथ चलेगा, बॉडी से अलग हाथ नहीं चलेगा, ठीक है। चेक कर सकते हो अब ये, मतलब कि ऊपर से जो घुमा के लेके आते हैं वो नहीं लेके आना, बॉडी के एकदम साथ में जाएगा और हाथ पूरा खुलेगा, मतलब कि पूरा पीछे तक स्ट्रेट हो गए, फिर ये हाथ आगे जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि बॉडी के साथ जाएगा। जिसके कारण क्या होगा कि जो हम हाथ बाहर से लेके जाते हैं, जब हम हाथ बाहर को घुमाते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी लेफ्ट साइड जाती है, जब दूसरा राइट चलता है तो राइट साइड जाती है। यही दिक्कत रहती है जब हम बाहर से घुमाते हैं, हमारे हाथ ऐसे चलने चाहिए जैसे अब चिंटू चला रहा है। ये नेक्स्ट ड्रिल आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ये हैंड मूवमेंट की प्रैक्टिस है, फ्री स्टाइल बैक स्ट्रोक की अभी करानी है, बैक की मैं आपको दिखा दूंगा, एंड तक आपको वीडियो देखना, आपको सारा पता लग जाएगा और आपको कैसे सांस लेना है, कैसे वो करना है, ठीक है ना। इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है हाथों को भी, और मतलब कि ये पूरा आपका रहता है कि आपकी ड्रिल्स में, आपके हैंड मूवमेंट में और स्विमिंग की स्ट्रोक में। अगर आपने स्विमिंग की स्पीड बढ़ानी है तो ये ड्रिल्स आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये चेक कर सकते हो, सेम आपने करना है अप्लाई, सेम। बाकी आप स्विमिंग सीख रहे हो मेरे चैनल से, बहुत बढ़िया है, और लाइक कर देना वीडियो को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब चलेंगे नेक्स्ट ड्रिल पे। ये आपको समझ में आ गया, आप बॉडी के साथ साथ हाथ जाने हैं, बॉडी के ऊपर से हाथ नहीं। जैसे ये अब गलती करने लग गया, एक हाथ पूरा घुमा के लेके जाने लग गया, एक हाथ बाहर से लेने लग गया, ये चीज़ नहीं करनी। जैसे कोई करता है तो आपको टोकना पड़ेगा, जैसे चिंटू बॉडी से हाथ अलग क्यों जाने लग गया, बॉडी से हाथ अलग क्यों जाने लग गया, और सुन। तो फ्रेंड्स,
अभी मैंने उसको समझा दिया है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या होता है कि हमने जिस चीज़ की प्रैक्टिस की है वो चीज़ हो जाती है, इसलिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो इसका हाथ पूरा पूरा चल रहा है, जिसके कारण इसके हाथ कम चलेंगे, हाथ कम चलेंगे तो जानवर नहीं कम थकेगा, कम थकेगा और स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। पूरा हाथ एक आगे आगे फेंकना है, एक पहले हाथ निकाल लेना, वो चीज़ दिक्कत हो जाती है ना। ये चीज़ काफ़ी इम्प्रूवमेंट करती है हमारी स्विमिंग को। ड्रिल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, ये याद रखना कि ड्रिल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। सिर्फ तैरना तैरना कुछ नहीं होता, ड्रिल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूर तक दिखाएंगे हम आपको, दूर तक, टेंशन ना लो, जुड़े रहो हमारे साथ, हम आपको बढ़िया बढ़िया स्विमिंग सिखाएंगे और साथ में आपको मेडल भी दिलाएंगे। और इसका बहुत जल्दी है, 10-12 को कॉम्पिटिशन है, तो वो आपको मैं दिखाऊँगा। कोशिश है, स्कूल ओपन स्टेट, हरियाणा ओपन स्टेट है, तो उसमें चिंटू ने जाना है, उसकी तैयारी चल रही है। जैसे आपने देखा कि पहले ये पैडल के साथ हाथ चला रहा था, जो पैडलिंग है इसके हाथ में थी, जो कि हमारा जोर ज़्यादा लगाती है। अब जो बिना विदाउट पैडलिंग चला रहा है, इससे क्या होगा, इससे हैंड मूवमेंट में चेंज भी आएगी। एक चीज़ और बोलूँ, अभी तो जैसे इसके हाथ खुल रहे हैं, अभी ये 20 राउंड इसके मारे गया, उसके बाद इसके हाथ बंद करवा के इसके राउंड मरवाऊँगा। हाथ मतलब कि हाथ ऐसे करके राउंड मारनी है, स्विमिंग ऐसे करके करनी है, इससे क्या होगा, हाथों की स्पीड बढ़ जाएगी। और जब हम हाथ खोल के करेंगे तो हमारी जो स्पीड है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तो अभी ये हाथ खोल के मार रहा है, ठीक है, फिर इसके हाथ बंद करवा के मारना है, जिससे क्या होगा कि पानी जो खींचने की क्षमता है वो बाजू ही खींचेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको दिखेगा, इम्प्रूवमेंट दिखेगा, जो कि आपको जैसे आप प्रैक्टिस। समर शॉट क्यों नहीं मार रहा, समर शॉट क्यों नहीं मार रहा, और हाथ कितनी स्लो चला रहा है, हाथ को स्पीड बढ़ा, गो। हाँ तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि लगभग पूरी है, बस इसमें हमने हैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ किक नहीं चलानी। इसमें पहले पुल बॉय लेग्स में दिया हुआ था, अब पुल बॉय नहीं है, जिसके कारण इसको पता चल जाएगा पानी के ऊपर फ्लोट करके हमने कैसे करनी है, ठीक है ना। अभी आप देख सकते हो कि ये कंटिन्यू अपने हाथ से हाथ चला रहे हैं। आई होप कि आपको इसको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट ड्रिल है इसके हाथ बंद करके, ठीक है। अब हाथ बंद करके बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि इसकी मुझे प्रैक्टिस भी साथ के साथ करानी है और आपको कॉन्टैक्ट भी साथ के साथ देना है। तो चलो अब नेक्स्ट ड्रिल पे चलते हैं। नेक्स्ट ड्रिल पे हम चल पड़े हैं। तो इसमें अब इसकी मुट्ठी बंद है, जिसके कारण इसके हाथ तेज़ चलेंगे, हाथ तेज़ चलेंगे और स्पीड नहीं रहेगी। और हाथों की स्पीड बढ़ेगी तो अपने आप समझ लेना कि इसकी हैंड मूवमेंट की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। मतलब कि जैसे मुट्ठी के बाद क्या होता है कि जब हम मुट्ठी बंद कर लेते हैं, हमारे हाथ हैंड मूवमेंट तेज़ चलने लग जाते हैं। जो हाथ खोलते हैं तो वो पानी खींचता है, जिसमें बाजुओं में जान आती है, ठीक है। तो अब ये समर शॉट तो मारेगा, पर क्या कहते हैं, डोल फील नहीं करेगा, हैंड प्रैक्टिस करनी है, ताजो हमें पता चल जाए कि हमारी स्पीड कितनी है। और स्पीड को इनक्रीज़ करने के लिए, हैंड स्पीड इनक्रीज़ करने के लिए, हम मुट्ठी बंद करके राउंड मारते हैं, ठीक है। आपने हाथ को ऐसे बंद कर लेना है, फिर आपने इसमें सेम पूरी करनी है, मतलब कि लेग्स मूवमेंट नहीं करनी। अगर लेग्स मूवमेंट करोगे तो बॉडी जल्दी आगे जाएगी, तो अपने हाथ बंद रखने हैं। उसके बाद यही मूवमेंट हमने लेग्स, मतलब कि पूरा फ्री स्टाइल करना है, सिर्फ हाथ बंद करके, ठीक है ना। वो की प्रैक्टिस शाम की है, अभी हैंड मूवमेंट की प्रैक्टिस है, तो आप चेक कर सकते हो कि हैंड मूवमेंट में हमने चेंज कर दिया इसमें। अब नेक्स्ट ड्रिल है, तो स्टार्टिंग में जो पहली ड्रिल्स बताई है मैंने, वो फिंग्स के साथ बताई है, फिंग्स के साथ आपने सेम करना है। वही यही चीज़ हम सेम अप्लाई करेंगे बैक के लिए, बैक हैंड मूवमेंट के लिए, ठीक है। मैं आपको बैक की प्रैक्टिस की हैंड मूवमेंट भी दिखा दूंगा। फिलहाल आप देख सकते हो कि इससे हैंड मूवमेंट कितनी फास्ट हो रही है, ठीक है, इससे और फास्ट हो जाएगी, जिसके कारण हमारी जो रेस करते समय हमारे हैंड मूवमेंट चलेंगे वो बहुत तेज़ चलेंगे। और एक्यूरेसी, शोल्डर देख सकते हो कि लेफ्ट राइट होने जरूरी है, जैसे ये कर रहा है, इससे पानी कटता है, मतलब कि इससे हमारी स्पीड में फ़र्क नहीं पड़ता और ड्रैग नहीं बनता आगे, हम आराम से और स्मूथ चलते हैं, ठीक है। समर शॉट की प्रैक्टिस हमने करते रहना साथ के साथ, ठीक है। हैंड मूवमेंट ड्रैग काटने के लिए आप शोल्डर आपका एक बाहर आना लाजमी है, क्योंकि बाहर से खींचोगे आप, ठीक है। और हाथ को दूर से नहीं लेके जाना, जैसे बॉडी से, जैसे ये बॉडी के एकदम साथ में लेके जा रहा है ना, आपका हाथ इधर से नहीं लेके जाना, या फिर उधर से दूर से लेके जाते ना, वो चीज़ नहीं करना, बॉडी के साथ ही जाना चाहिए और इसकी स्पीड और तेज़ होनी चाहिए। तो आई होप कि ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट ड्रिल में चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होगा कि ये सिंगल हैंड टू टू चलेंगे, ये टू हैंड वो टू हैंड, हाँ। तो चलो नेक्स्ट ड्रिल पे चलते। ड्रिल्स चेंज हो गई है, अब क्या करना है, अब चार हाथ बंद करके मारनी है मुट्ठी, चार हाथ खोल के मारने, जैसे चार हाथ खुले, ठीक है, अब बंद होगी, ठीक है। अब चेक कर सकते हो, अब बंद है, ठीक है, अब खुल गई, चार हाथ खुल के, चार हाथ बंद करके, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो स्पीड है वो हाथों के साथ भी तेज़ हो जाएगी और वैसे भी तेज़ हो जाएगी, ठीक है ना। आप चेक कर सकते हो कि जब हम हाथ खोल लेते हैं तो स्पीड बढ़ जाती थोड़ी, हाथ बंद करते तो
डॉल्फिन समरसॉल्ट, डॉल्फिन बंद की हुई है सच, ये आप चेक कर सकते हो, बंद खुल जाएंगे, खुल गए। देखो मतलब कि पता चल जाता है कि जब ये हाथ खुल जाएंगे तो क्या रहेगी, जब बंद हो जाएंगी तो स्पीड में क्या होगी। जब हम हाथ खोल देते हैं तो हमारी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है आगे जाने के लिए, और जब ये बंद रहता है तो हमारी स्पीड मतलब कि आगे जाने के लिए हल्की सी कम हो जाती है। जो हैंड मूवमेंट है इससे ना, ये बाजू पानी खींच रही है, इससे ये हाथ खुल जाता है, जिसके कारण हम और प्रेशर मार सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी फ्री स्टाइल के लिए। हर एक स्ट्रोक में ये आपकी मूवमेंट करेगी, हर एक स्ट्रोक में। बल्कि अगर आप बटरफ्लाई करते हो हाथ बंद करके, अभी तो हम ये कर रहे हैं, बल्कि हम सारी करेंगे, पर आपको ये रहेगी कि आपने हैंड मूवमेंट की प्रैक्टिस कैसे बढ़ानी है। तो जिस चीज़ पे आपने प्रैक्टिस करनी है, ड्रिल्स आप सेम ड्रिल्स कर सकते हो, जैसे कि बटरफ्लाई में कर सकते हो, बैक में कर सकते हो, यही सेम ड्रिल, जैसे कि आपने हाथ खोल के करनी, बंद करके करनी, खोल के करनी, बंद करके करनी। इससे क्या होगा, इससे स्पीड के साथ साथ आपको फ़र्क पड़ेगा और आपको खुद पता चलेगा। तो आई होप कि आपको ये ड्रिल्स भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट ड्रिल पे चलेंगे। नेक्स्ट ड्रिल में क्या करना है मैं आपको नेक्स्ट ड्रिल में बताता हूँ, अभी स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। अब ड्रिल चेंज होगी, अब क्या करना है, चार हाथ मारने या छः पैर मारने या फिर चार हाथ पैर दोनों मारने। जैसे छः पैर मारे, फिर चार हाथ मारे, ठीक है, फिर हाथ पैर दोनों, ठीक है ना। ओए ओए, चार हाथ मारने हैं, छः पैर मारने हैं, फिर हाथ पैर दोनों मारने हैं, चार और छः, भूल गया तू, चल। तो फ्रेंड्स, वो ड्रिल्स जो अभी ये कर रहा था, वो ड्रिल्स भी आप कर सकते हो, पर अभी जो हम कर रहे हैं, हम दूसरी कर रहे हैं जिसमें चार हाथ चार पैर, अब ये दोनों मारेगा। इससे क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, ये मेन तो माइंड की एक्सरसाइज होती है कि माइंड में याद रहे, हमें याद होना चाहिए कि हमने क्या करना है। इसमें साथ बॉडी के साथ साथ आपकी माइंड की भी एक्सरसाइज होती है। छः किक, चार हाथ, ठीक है, फिर हाथ किक दोनों, ठीक है। इससे आपकी मूवमेंट बहुत तेज़ होगी, इससे क्या होगा, दिमाग भी तेज होगा और फ्री स्टाइल की मूवमेंट भी तेज़ होगी, क्या कर सकते हो। और समरसॉल्ट डॉल्फिन, इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो अभी आपने हैंड की प्रैक्टिस देखी है, उसके साथ साथ लेग्स की मूवमेंट की, फ्री स्टाइल की, स्विमिंग की, ये सारे रहते हैं, ठीक है। अब जैसे देख लो, इसको पता नहीं रहता कि हाँ अभी मैं हाथ की प्रैक्टिस की है, पैर की प्रैक्टिस की है, तो इसके हाथ रुक जाते हैं, पैर रुक जाते हैं, तो अभी ये माइंड पर प्रैक्टिस डाल दो। जैसे कि इसको क्या करना है, जैसे हाथ चल रहे हैं, चार हाथ मारने के बाद इसने छः पैर मारने कंटिन्यू स्टार्ट कर देने हैं, तो ये रुक रहा है क्योंकि इसको इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं, माइंड को इस चीज़ का याद नहीं है। बिगिनर को क्या होता है कि जब वो हाथ चलाता है पैर नहीं चलते, पैर चलाता है हाथ नहीं चलते स्टार्टिंग में, इसीलिए माइंड को रीड करने के लिए हम ये सारी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हो, चिंटू चिंटू, ओए मुझे एक बात बता, जब तेरे हाथ के साथ पैर चलते हैं, पैरों की स्पीड इतनी स्लो क्यों है, जब हाथ चल रहे हैं तेरे और जब हाथ पैर दोनों चलते हैं तो पैरों की स्पीड इतनी स्लो क्यों है, पैरों की स्पीड तेज क्यों नहीं है, पहले ये बता। हैं, अब देख, तू पैर चला रहे, छह पैर चला लिए, फिर चार हाथ चला रहे, हाथों को कंटिन्यू रख, पैर चला ले, तू रुक जाता है, चल। पैरों की स्पीड नहीं स्लो होनी चाहिए, पैरों की स्पीड नहीं स्लो होनी चाहिए, चल चल चल। पानी में फ्रेंड्स ये चीज़ आती रहती है, दिक्कतें आती रहती हैं, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना, तभी कुछ हाथ पल्ले आएगा। अगर आप सोच रहे हो मेहनत नहीं करनी, भगवान के भरोसे छोड़ना है, तो कुछ नहीं हाथ पल्ले आएगा, ठीक है ना। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया, काफ़ी लंबी वीडियो होगी उसके लिए सॉरी, तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ड्रिल्स सारी देख के अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो आपको कुछ भी समझ में आया तो लाइक कर दो इसी बात पे, और कमेंट करके मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर नहीं समझ में आया तो उसका मैं कर दूंगा, रिप्लाई तो हो जाएगा, पर कई वेले क्या होता है कि मेरी इंग्लिश इतनी हाईफाई नहीं है तो नहीं समझ में आता, उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स, इस ड्रिल्स में मेन मूवमेंट क्या रहती है कि हमारी शोल्डर्स पूरे चलने चाहिए और हैंड मूवमेंट की स्पीड बढ़ती है। अगर हम ऐसे करके करते हैं तो हैंड मूवमेंट की स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है, ठीक है। और ऐसे भी आप समझ गए, सारा ओके है, बस ठीक है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया कि आप सारा कुछ समझ गए और सीख गए हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, बस।
और कुछ नहीं चाहिए। बाय। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये चैनल है स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर मैं स्विमिंग से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। ये टेक्निकल लवी मनी, जिसके ऊपर मैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग, गेमिंग डेस्क, अन्य गैजेट्स के टैक्स डालता हूँ। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। थैंक यू वॉच कर वीडियो।